नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट हर्षराज। अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो सामने आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉस्किटो किलर लैम्प। ये एक ट्रैपर मशीन है मॉस्किटो के लिए, और जो अभी ये आ रही है ये कुछ सालों से बड़ी एक्टिव है और ये कारगर है, 100% कारगर है। इसके अंदर एक ब्लू लाइट लगी है जो मच्छरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इसके नीचे ये यहाँ पर जाकर मच्छर जब आता है तो इसमें एक एग्जस्ट फैन लगा है जो उसको अंदर खींच लेता है अपनी साइड, और बाद में आप उसको नीचे से ये कवर खोल के इसको आप रिमूव कर सकते हो सारे मच्छरों को, जो वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे नेक्स्ट डे। तो ये 2-3 कलर में अवेलेबल है मार्केट में। USB चार्जर से चलती है ये, इसमें एक डाटा केबल लगा होता है जो आप अपने USB चार्जर से चला सकते हैं। तो इसको बनाने की विधि मैं आपको बता सकता हूँ, और बनाने में क्या क्या सामान का प्रयोग हो रहा है इसके विषय में आपको जानकारी देता हूँ। और एक अभी के टाइम में एक उभरता हुआ नया बिज़नेस है ये, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बिज़नेस। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए बिना फिल्टर बिना एडिट के मैं ये वीडियो बना शूट कर रहा हूँ, तो बने रहिए आप मेरे साथ। दोस्तों, इसको बनाने के लिए कुछ ये इसकी एक मेन बॉडी आती है, ये 2-3 कलर में आती है, वाइट में, ब्लैक में, पर्पल में, जैसे भी आती है। इसके अंदर ये आता है, एक नेट कवर होता है जो इसके अंदर जाता है। ये सबसे नीचे जो बेस कवर है, इसमें जो मॉस्किटो ट्रैप होते हैं तो इसके अंदर रह जाते हैं, तो ये इसमें लॉक सिस्टम है, इसे खोल के निकाला जा सकता है। दूसरा एक आता है इसमें फैन, जो एग्जस्ट फैन है, इस तरह के कलर में भी आते हैं ये, ठीक है। और एक आती है इसमें ये PCB है, जिसको हम अगर चेक करते हैं तो इसमें ब्लू लाइट ग्लो करेगी। ये पूरा पत्ता आता है, इसको सिंगल पीस किया जाता है, जैसे ये एक सिंगल पीस टूटा हुआ है, इसमें प्लस और माइनस का निशान है, 8 लाइट इसमें लगी हुई है। और जब हम इसको जैसा कि चेक करेंगे तो इसमें ये ब्लू लाइट जलती है, इस तरह से ब्लू लाइट जलती है, जो कि अभी कैमरे की रोशनी के अंदर ये शायद सही से नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो ब्लू लाइट है ये इस तरह से जलती है इसके अंदर, और ये सिंगल सिंगल PCB लग जाती है इसके अंदर ये। तो एक ये सिंगल PCB हो गई, एक ये आ जाता है इसका टॉप कवर। इसके अंदर जो मैंने दिखाया टॉप कवर ये रहा, जिसको इसके लॉक लगे होते हैं, ये भी इसमें फिट हो जाता है। दूसरा मेन बॉडी, ये वाली मेन बॉडी ये है, और ये इसके अंदर चला जाता है स्लाइड करके। तो ये स्लाइड करके अंदर जाता है, इसमें होता है एक खांचा जो तारों के लिए दिया गया है ये वाला, और ये इसमें इस तरह से ये चला जाता है। और PCB और जो तार है USB डेटा केबल है, उसके लिए यहाँ पर एक सुराग दिया गया है यहाँ पर, इससे USB तार डाल के, और यहाँ से जब तार जाता है तो इसके अंदर ये खांचा बना हुआ है, ये वाला खांचा है, इस खांचे से तार उस तरफ निकलता है, इधर निकल ये तार आ गया इसमें इस तरफ, और ये PCB पे सोल्डरिंग होता है। एक फ़ैन का तार आता है इसमें, जो ये फ़ैन लगता है, ये वाला फ़ैन है, ये भी उस तरफ नीचे की साइड लग जाता है। इसके भी दो तार इसी खांचे से नीचे पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले दो तार हैं, इसी खांचे से इसमें नीचे जाएंगे, ये तार इधर से नीचे चले जाते हैं, और ये फैन इसके ऊपर 4 स्क्रू की मदद से कस दिया जाता है इस तरीके से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं साथ में पड़े हुए बॉक्सेस हैं, इसमें 4 पेचों की मदद से कस दिया गया है, और उसके ऊपर से बाद में टॉप कवर लग जाता है। इस तरीके से ये सारा बन जाता है माल, जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्सेस में ये रेडी किया हुआ है, बस इसमें टॉप इनका बेस कवर लगाना बाकी है, जो जैसे ये यहाँ पर ये सब माल रेडी है। एक बॉक्स में 60 पीस की पैकिंग होती है ये।
ये आप खुद भी बना सकते हैं, ये छोटा सा व्यापार है, इसको आप खुद कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो फ़ैन है ये सब आते हैं, ये इसमें दो पेज की मदद से इसको कसा जाता है इन फ़ैन को इसके अंदर, और बाद में इस सब को असेंबल कर दिया जाता है बड़े इजी तरीके से। और ये जो इसका बेस कवर जैसा मैंने दिखाया, ये बेस कवर, इसमें इसके लॉक लगे होते हैं और ये लॉक के आधार पे ऐसे घूम जाता है, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये लगा हुआ है। अब क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन, एक ही हाथ में फ़ोन और एक ही फ़ोन हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखेंगे ये मैंने इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कवर है इसको हम लॉक को खोल देंगे, ये लॉक खुल के यहाँ से निकल जाता है। ये इसमें एक कट लगे हैं छोटे छोटे, ये कट हैं जो इसमें जाके अटक जाते हैं यहाँ पर, और आपका फ़ैन चलने लग जाता है और मच्छर को आकर्षित करके खा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और 100% वर्किंग है, मैंने खुद अपने घर में यूज़ किया है तो बहुत बढ़िया चलता है। इसमें मच्छर ट्रैप हो जाते हैं, जिस एरिया में मच्छरों की संख्या ज़्यादा है या डेंगू है तो आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके विषय में जानकारी देना चाहता था क्योंकि ये मेरे पास बन रहा है तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और वीडियो डालने के लिए। कोशिश करेंगे इसी प्रकार के और वीडियो आप डालते रहें और आप हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए प्लीज़। आपको कैसी वीडियो लगी और इसके विषय में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।